गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इंटरवल आश्रम। आज हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट आएगा पावर डिसिपेशन यानी शक्ति हास, और सेकंड आएगा आपके पास विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर। ये हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, उसी के दो कंडीशन और हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ड्राइविन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो इसमें फर्स्ट आपके पास आता है शक्ति हास या पावर डिसिपेशन। इसमें आपके पास क्या है, दो लोगों की माध्य शक्ति ह्रास इक्वल माध्य कुल ऊर्जा में कमी की दर। इंग्लिश में एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ ऑक्सीलेटर इक्वल एवरेज टोटल एनर्जी रिडक्शन रेट। अब आपके पास क्या, लास्ट आपने निकाला था एवरेज टोटल एनर्जी, तो उसमें जो भी आपके पास क्या होगी कमी, या उसमें जो भी आपके पास रिडक्शन होगा वही क्या होगा आपके पास पावर डिसिपेशन। तो यहाँ पर लिखोगे आप एवरेज पावर इक्वल माइनस डी अपॉन में डीटी एवरेज टोटल एनर्जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था टोटल एनर्जी आपके पास आई थी हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी। तो आप पावर डिसिपेशन निकालने के लिए क्या करोगे, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आएगा आपके पास माइनस डी ओवर डीटी हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा माइनस हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी। इसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो क्या आएगा माइनस टू आर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास क्या हो गया टू आर, और ये आपके पास क्या थी एवरेज टोटल एनर्जी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो एवरेज टोटल एनर्जी। तो आपके पास पावर डिसिपेशन क्या आ रहा है टू आर मल्टीप्लाई में एवरेज टोटल एनर्जी। तो ये आपके पास हो गया शक्ति ह्रास, कि आपके पास डैम्पिंग जो मोशन होगी किसी भी पार्टिकल की उसमें कितना शक्ति ह्रास यानी पावर डिसिपेशन होता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, हाफ नंबर में पूछा जाता है टू आर मल्टीप्लाई में एवरेज टोटल एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक। ये आपके पास होता है कैपिटल क्यू इक्वल टू पाई अपॉन में टी एवरेज टोटल एनर्जी अपॉन में एवरेज पावर डिसिपेशन। आपके पास टोटल एनर्जी है, पावर डिसिपेशन है, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आएगा टू पाई अपॉन में टी। अब देखो आपके पास पावर डिसिपेशन क्या आया था अभी टू आर एवरेज टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो टू आर एवरेज टोटल एनर्जी। तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर क्यू इक्वल टू पाई अपॉन में टी मल्टीप्लाई में टू आर एवरेज टोटल एनर्जी से एवरेज टोटल एनर्जी कैंसिल हो गई। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपके पास होता है टू पाई अपॉन में टी ओमेगा के इक्वल, तो ओमेगा अपॉन में टू आर। तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर आ रहा है, ये भी हाफ नंबर में मोस्टली पूछा जाता है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, पहले आप ये लिखना उसके बाद आप ये लिख देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर ओमेगा अपॉन में टू आर। तो यहाँ पर आपके पास डैम्पिंग मोशन का टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद आपके पास आता है ड्राइविंग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ड्राइविंग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, हिंदी में चालित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक। इसमें देखो लास्ट आपने देखा था डैम्पिंग फोर्स अवमंदन बल, उसमें आपके पास आता था कि धीरे धीरे मोशन में क्या होती थी कमी होती थी, या कह सकते हैं उसका आयाम कम होता जाता था। यहाँ पर हम देखेंगे ड्राइविंग फोर्स। सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। तो उसके लिए वही हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पैराबोलिक स्लोप ली थी, वहाँ हमने कंसिडर किया था मीन पोजिशन यानी पी पॉइंट कह सकते हो आप, वहाँ पर हमने कंसिडर किया था स्मॉल एम मास की एक बॉडी या पार्टिकल। अगर हम इस बॉडी को ए पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो इसकी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी में कमी होती है, कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। उसकी वजह से क्या होता है इसमें एक फोर्स लगता है रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल एफ आर, वो आपके पास क्या होता है इक्वल माइनस के एक्स। अगर आपके पास जो पार्टिकल ए है वो चला जाए बी वाले पॉइंट पर, तो इस तरह से क्या होगा इसकी ऑक्सीलेशन होती रहेंगी,
धीरे धीरे आप देखोगे टाइम के साथ क्या होंगे, इसके ऑक्सीलेशन कम होते जाएंगे, वो तो आपके पास हो जाता है डैम्पिंग फोर्स। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसकी जो मोशन है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, मतलब कि इसकी जो आयाम है वो समय के साथ कम नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और फोर्स अप्लाई करते हैं जो आपके पास होता है ड्राइवन फोर्स, या कह सकते हो उसको चालित बल। तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ पर आपके पास एक फोर्स और लगता था, डैम्पिंग फोर्स, या कह सकते हो फ्रैक्शन फोर्स FD। वो हमेशा क्या लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस तरह से जो भी आप देखोगे आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल और फ्रैक्शन फोर्स, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। फ्रैक्शन फोर्स क्या करता है, वो बॉडी और सरफेस के बीच में जो भी मोशन होती है उसका अपोज करने के लिए लगता है। तो वो आपके पास होता है डैम्पिंग फोर्स, या कह सकते हो उसको फ्रैक्शन फोर्स, मोशन को कम करने के लिए। साथ में हम कहते हैं इसके ऑक्सीलेशन के होते हैं टाइम के साथ साथ कम होते जाते हैं। तो इसकी मोशन को कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अप्लाइड फोर्स लेते हैं FA। FA इक्वल यहाँ पर हम लेते हैं F0 sin ωt। यहाँ पर हमने एक दूसरा फंक्शन लिया है FA इक्वल F0 sin ωt। FA क्या है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स, या कह सकते हो सपोर्टिंग फोर्स। वो क्या करेगा, इस मोशन को कंटिन्यू बनाए रखेगा, मतलब कि टाइम के साथ साथ इसके ऑक्सीलेशन कम नहीं होंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट फोर्स हो गया अप्लाइड फोर्स। सेकेंड आपके पास है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स, FR इक्वल क्या होता है आपके पास -KX। दूसरा आपके पास है FD डैम्पिंग फोर्स या फ्रैक्शन फोर्स, ये आपके पास होता है -λ × V, या फिर इसको कह सकते हो आप -λ dx/dt। यहाँ पर आपके पास लैम्डा क्या होता है, डैम्पिंग कॉफिशियंट, या कह सकते हो डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, अवमंदन नियतांक। उसके बाद x यहाँ पर आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। k आपके पास होता है फोर्स कॉन्स्टेंट, हिंदी में बल नियतांक। अब हम बात करते हैं इस पार्टिकल जो जिसका मास क्या है, स्मॉल m। यहाँ पर आप देखोगे आपके पास जो भी टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, FR + FD + FA। जो भी इस पर टोटल फोर्स होगा लगने वाला वो किस किस के बराबर होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, फ्रैक्शन फोर्स या डैम्पिंग फोर्स भी कह सकते हो, प्लस में अप्लाइड फोर्स, जो भी आपने उसमें सपोर्टिंग फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर डालो। सेकंड, आपके पास जो फोर्स होता है एफ इक्वल, वो क्या होता है, ma न्यूटन सेकंड लॉ, या इसको आप कह सकते हो md2x/dt² न्यूटन सेकंड लॉ। तब इन सारे फोर्स की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में रख दो, तब आप देखो आपके पास टोटल फोर्स क्या आ रहा है, तो md2x/dt² इक्वल FR आपके पास है -KX, FD डैम्पिंग आपके पास है λ dx/dt, और आपके पास अप्लाइड फोर्स है F0 sin ωt। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन में m का डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा, d2x/dt² इक्वल -k/m x λ/dx/dt + F0/m sin ωt। यहाँ पर हम बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था k/m आपके पास क्या होता था, ω0 square, क्योंकि यहाँ आपके पास k भी कांस्टेंट है और m भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसको हम दूसरा कांस्टेंट के इक्वल मानते हैं k/m को, ω0 square। यहाँ पर लिख लो माना लेट, तो आपके पास क्या आ रहा है, k/m = ω0 square। दूसरी टर्म में आपके पास λ/m, इसको हमने कंसिडर किया था 2R। यहाँ पर आपके पास एक टर्म आई है F0/m। F0 आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका, अप्लाइड फोर्स का, और m आपके पास क्या है, बॉडी का रेस्ट मास। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, F0/m = f0 से यहाँ पर इसको कंसिडर कर रहे हैं। इन सब कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपके पास की इक्वेशन क्या आ रही है,
डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस के अपॉन में एम, इसको क्या कर सकते हो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स माइनस लैम्डा अपॉन में एम को क्या लिखोगे टू आर डी एक्स अपॉन में डी टी एज इट इज प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी। इन टर्म्स को अगर ट्रांसफर कर लो तो आपके पास क्या आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल सॉरी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स प्लस टू आर डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास समीकरण तीन है। ये आपके पास क्या होगा ड्राइविंग जो आपके पास मोशन हुई है प्रणोदित चालक जो आपके पास दोलक है उनके लिए क्या आई आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पता है जितनी भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनके क्या होते हैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होते हैं। हम दो सॉल्यूशन पढ़ते हैं एक इंस्टेनियस जिसको अपन बोलते हैं ताक्षणिक, दूसरा आपके पास होता है स्टेबल उसको बोलते हैं हम स्थाई। तो आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे ताक्षणिक या क्षणिक या दूसरा आपके पास होता है स्थाई। तो हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ पर हम एक टर्म कंसिडर करते हैं अज्यूम एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पर हमने क्या किया है इसका पीरियडिक फंक्शन लिया है। हमें पता है जो भी आपके पास वेव होती है वो पीरियडिक फंक्शन के फॉर्म में होती है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या लिया है पीरियडिक फंक्शन के फॉर्म में लिया है। अब आपको क्या करना है इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करोगे समीकरण तीन के लिए आप इसका एक बार और दो बार क्या करोगे अवकलन करोगे जिससे आप क्या करोगे जो भी आपके पास मान आएगा आप समीकरण तीन में रखोगे। तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल एक्स नॉट साइन का अवकलन कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा ओमेगा। सेकेंड टाइम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल कॉस का अवकलन आपके पास क्या आता है माइनस तो एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर होगा तो ओमेगा स्क्वायर। इन सब की वैल्यू आप क्या करोगे समीकरण तीन में रखोगे तो आपके पास क्या आ रहा है माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ओमेगा स्क्वायर प्लस टू आर डी एक्स अपॉन डी टी। क्या है ये आपके पास एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव मल्टीप्लाई में ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल आपके पास है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण चार यहाँ देखो आपके पास जो समीकरण चार है उसमें आपके पास जो पीरियडिक फंक्शन है वो ओमेगा टी और फाइव इस पर डिपेंडेंट है लेकिन आप देखोगे आपके पास जो इक्वल जो टर्म है जिसे हमने अप्लाइड फोर्स कहा था वो आपके पास किस पर डिपेंडेंट है ओनली ओमेगा टी पर। तो इनका जो आपके पास क्या है एंगल है उसको सेम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं इस टर्म में प्लस फाइव और माइनस फाइव ऐड कर रहे हैं। तो इसमें देखो आप माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस टू आर एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव। पहले हमने लिखी है माइनस वाले टर्म क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है सारे ओमेगा टी माइनस फाइव पर डिपेंडेंट है तो इसलिए पहले हमने फाइव नेगेटिव वाला लिखा है फिर पॉजिटिव वाला। यहाँ पर देखो इसको हम मान सकते हैं ए और इसको मान सकते हैं बी तो आपके पास क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसको ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या आएगा एफ नॉट साइन ए तो साइन ए आपके पास क्या आएगा ओमेगा टी माइनस फाइव मल्टीप्लाई में कॉस बी तो कॉस बी आपके पास क्या आएगा फाइव प्लस कॉस ए ओमेगा टी माइनस फाइव और साइन बी आपके पास आएगा फाइव। अब आप देखो आपके पास जो समीकरण पाँच है समीकरण पाँच में अगर हम आप क्या करेंगे इसकी कंपैरिजन करते हैं तो आप देखोगे इधर आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का फंक्शन है यहाँ भी है यहाँ आपके पास कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव का फंक्शन है यहाँ भी है
तो हम क्या करेंगे, समीकरण पाँच में दोनों तरफ तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसकी, पीरियोडिक फंक्शन की। तो हम देखेंगे आपके पास जो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन क्या आती है। उसके बाद देखो तुलना करने पर कंपैरिजन और पीरियडिक फंक्शन, पीरियडिक फंक्शन की यहाँ पर हम तुलना करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंडीशन लगानी होगी यहाँ पे कि जब आपके पास साइन ज़ीरो है तो कॉस क्या होगा और कॉस ज़ीरो है तो साइन क्या होगा। हम जानते हैं साइन और कॉस दोनों एक साथ मैक्सिमम और ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर आपके पास एक फंक्शन ज़ीरो है तो दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं इफ साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल क्या हो, ज़ीरो हो। तो आपको पता है जब साइन ज़ीरो है तो उस कंडीशन में कॉस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे समीकरण पाँच से। तो आपके पास देखो साइन वाला फंक्शन है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, टू आर एक्स नॉट ओमेगा और ये तो मैक्सिमम होगा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन। साथ में आप यहाँ पर देखोगे कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका फंक्शन आपके पास क्या आएगा, सॉरी कॉफिशियंट एफ नॉट साइन फाइव। तो एफ नॉट साइन फाइव एक बार फिर से देख लो, दोनों तरफ हमने क्या किया है, कॉस के जो फंक्शन है उनकी तुलना की है। तो यहाँ पर आपके पास कॉस का फंक्शन क्या है, टू आर एक्स नॉट ओमेगा और यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, साइन फाइव मल्टीप्लाई में एफ नॉट और है। तो आपके पास क्या आ रहा है, टू आर एक्स नॉट ओमेगा इक्वल एफ नॉट साइन फाइव, ये आपके पास समीकरण हो गई छः। उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन लगा रहे हैं इफ कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल क्या हो, ज़ीरो हो। अब आपके पास कॉस ज़ीरो है तो साइन उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आप तुलना कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी आपके पास साइन का फंक्शन है, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट कॉस फाइव। तो आपके पास समीकरण छः और सात, इनमें आपके पास साइन और कॉस दोनों के फंक्शन आ गए। तो अब क्या करेंगे, हम इनसे एफ नॉट की वैल्यू निकालेंगे। साथ में इसका जो फाइव हमने कंसिडर किया था सॉल्यूशन में, फाइव फाइव आपके पास क्या होता है, फेस चेंज। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस इक्वेशन में कितना आपके पास फेस चेंज आ रहा है, तो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, टेन फाइव। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेन फाइव क्या आएगा। तो यहाँ पर लिख लो समीकरण छः और सात डिवाइड करने पर, तो आपके पास क्या आ रहा है, एफ नॉट साइन फाइव अपॉन में एफ नॉट कॉस फाइव, टू आर एक्स नॉट ओमेगा अपॉन में एक्स नॉट कॉमन ले लो इसमें, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, तो आपके पास क्या आ रहा है, टू आर ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल, तो क्या हो गया आपके पास, टेन फाई इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा। यहाँ से आपके पास टेन फाई आ गया, हमें चाहिए फेस चेंज फाई की वैल्यू। तो आपके पास क्या आएगी, टेन इनवर्स टू आर ओमेगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा, समीकरण आठ। यहाँ पर देखो आपके पास दो फ्रिक्वेंसी है, एक ओमेगा और एक ओमेगा नॉट। ओमेगा आपके पास कौन सी फ्रिक्वेंसी है, जहाँ हमने स्टार्टिंग में अप्लाइड फोर्स की बात की थी, एक्स इक्वल सॉरी एफ एफ ए इक्वल एफ नॉट साइन ओमेगा टी, तो वहाँ आपके पास ओमेगा था। वो ओमेगा क्या है आपके पास, जो दोलन कर रहे थे उनकी फ्रिक्वेंसी, जो पार्टिकल दोलन कर रहा था उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी थी, ओमेगा की, वो ओमेगा फ्रिक्वेंसी से दोलन कर रहा था। और ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट आपके पास कौन सी फ्रिक्वेंसी आई है, यहाँ पर देखो आपके पास था ये वाला फंक्शन, वहाँ आपने कंसिडर किया था के अपॉन में एम, के अपॉन में एम को हमने कंसिडर किया था ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या थी, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी थी, मतलब कि पार्टिकल कितनी भी मोशन करे ये वाली फ्रिक्वेंसी का मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ के भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है। लेकिन आपके पास जो ओमेगा है उसका मान क्या होगा, आपके पास चेंज होता रहेगा,
क्यों? क्योंकि वो क्या है, जो पार्टिकल है उसकी क्या है, दोलनों की फ्रिक्वेंसी, जो वो दोलन कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी। तो आपके पास फाई आ गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इसके लिए एफ नॉट क्या होगा, अब यहाँ पर इसका एफ नॉट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका अप्लाइड फोर्स माना था एफ ए इक्वल एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ आपको पता था आपके पास एफ नॉट क्या है, मैक्सिमम फोर्स का एम्पलीट्यूड, इससे ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता है। तो हम इस एफ नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, समीकरण 6 और 7 इन दोनों में क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो आपको दिख रहा है स्क्वायर करके जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस में कॉस स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 तो आपके पास क्या आएगा, एफ नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस क्रॉस स्क्वायर फाई इक्वल, इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4R² x0² ω² प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, x0² ω0² - ω² इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास दो टर्म आ रही है, ये तो आपके पास हो जाएगी 1, तो एफ नॉट स्क्वायर इक्वल 4R² x0² ω² प्लस x0² ω0² - ω² यहाँ देखो आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर ये आपके पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा आपके पास, 4R² ω² + ω0² - ω² तो आपके पास एफ नॉट स्क्वायर ये आ गया। एफ नॉट चाहिए तो क्या करोगे, एफ नॉट इक्वल एक्स नॉट इस पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 4R² ω² ω0² - ω² इसकी पावर 1/2। तो ये तो आपके पास हो गया मैक्सिमम फोर्स जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया था उसका एम्पलीट्यूड। साथ में यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन कंसिडर किया था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, x=x0 sin ωt - φ। वहाँ आपके पास एक्स नॉट क्या था, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो आप यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो क्या आएगी, या x0=f0√ω²ω0² - ω² इसका होल स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो आपके पास x नॉट आ गया है और f नॉट आ गया है, x नॉट और phi दोनों की वैल्यू क्या करेंगे हम, जो आपने सॉल्यूशन कंसिडर किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें पुट कर देंगे, तो वो आपके पास क्या होगा, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो आपने कंसिडर किया था x=x0 sin ωt - φ, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू रख देंगे और फाई की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या आएगा, x=x0 आपके पास आया है, एफ नॉट अपॉन में 4R² ω² + ω0² - ω² इसका होल स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई में साइन ओमेगा टी माइनस फाई की वैल्यू आपके पास क्या है, टेन इनवर्स 2R ω/ω0² - ω² तो ये आपके पास क्या आ गया, ड्राइविंग मोशन के लिए पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके पास एक्स नॉट और ये उसकी इक्वेशन आ गई। तो ये आपके पास हो गई उसकी डिफरेंशियल सॉरी उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन परिणित चालित दोलक के लिए। तो उसको क्या क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ड्राइवन SHM, या कह सकते हो इसको प्रणोदित दोलक का विस्थापन समीकरण डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन।
इसके बाद हम इसके लिए देखेंगे इसके वही तीन केस, क्रिटिकल, अंडर डैम और ओवर डैम। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ऐसे हम इसमें तीनों कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास वही न्यून अवमंदन की आएगी, सेकंड आपके पास क्रांतिक की आएगी, थर्ड आपके पास अति अवमंदन की आएगी। तो ये आपके पास लास्ट हो गया प्रणाली दोलक का विस्थापन समीकरण। अब हम इसके केस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।